सुप्रभात विद्यार्थियों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं का जो पाठ्यक्रम है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जारी किया है। उस पाठ्यक्रम के अनुसार हम पाठ्यक्रम को निर्धारित मानते हुए तमाम प्रकार के चैप्टरों को जो आपकी व्यवसाय अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें करेंगे। तो हमने काफ़ी हद तक पाठ्य पुस्तक के कई चैप्टर कर लिए हैं। जो हम जैसे प्रबंध की अगर हम बात कहें तो हमने प्रबंध को कर लिया है। प्रबंध के 3 चैप्टरों को हमने सामान्य रूप से कर लिया है और इसकी प्रश्नोत्तरी भी मैंने आपको करवा दी है। और प्रबंध के बाद विद्यार्थी हमने अगर हम बात कहें तो हमने विपणन को भी पढ़ लिया है और नेतृत्व को भी हमने पढ़ लिया है। विद्यार्थियों, नेतृत्व के पश्चात हमने विपणन को पढ़ा और विपणन एक मार्केटिंग का जो एक अध्याय रहता है, उस मार्केटिंग के अध्याय के बाद जब हम बात करते हैं तो विक्रय संवर्धन, उसको मैंने छोड़ दिया था। जो सातवां अध्याय था विक्रय संवर्धन और फिर उसके बाद विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट, वो भी इसका ही एक पार्ट है। इनको मैंने विक्रय संवर्धन और विज्ञापन दोनों पार्टों को मैंने छोड़कर मैंने अनुबंध आपको चालू करवाया था। अध्याय नमा, उसके अंदर हमने अनुबंध विधि को पूरा कर लिया था और अनुबंध के प्रावधानों का हमारा पहला वीडियो आपके सामने आ गया और आपने पढ़ा। विद्यार्थियों, जो आपने पढ़ा ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। आगामी बीकॉम के अंदर भी आपके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी रहेगा और प्रतिस्पर्धा के अंदर इसके सवाल पूछे जाते हैं। मगर पाठ्यक्रम के अंदर इस अनुबंध अध्याय को हटाया गया है, इसलिए मैं अनुबंध अध्याय को एक बार वापिस छोड़कर हम अपने जो मेन टॉपिक है जो पाठ्यक्रम के अंदर है उस पर मैं आता हूँ। अगर जब मैं उस पर आता हूँ तो हमने विपणन को 6 अध्याय को समाप्त करने के पश्चात जो विपणन यानी मार्केटिंग हमने की थी, तमाम प्रकार की जो वस्तुएं जो उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो समस्त प्रकार की जो क्रियाएं की जाती है उसके बारे में हमने विपणन के बारे में पढ़ा था। और विपणन के बाद अगर हम विक्रय संवर्धन को पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में सेल्स प्रमोशन कहते हैं, विक्रय संवर्धन और उसके बाद विज्ञापन, ये तमाम प्रकार के 3 चैप्टर अपने आप में निरूपित होते हैं। मैंने इसको एक बार यूं छोड़ा था ताकि हम अनुबंध के अध्याय को पढ़ सके। अनुबंध का जो पार्टीशन है उसके जो अंग भार है वो ज्यादा थे, मगर अनुबंध अध्याय को हटाने के बाद अगर हमने पढ़ा है उसमें कोई दोहराई नहीं है, बहुत ही उपयोगी है और ये आपके ज्ञान वर्धक के लिए भी काम है और विकॉम में भी आपके बहुत काम आएगा। गौर करें विद्यार्थियों, तो जो विपणन अध्याय को समाप्त करने के बाद विक्रय संवर्धन जो उसकी जुड़ी हुई कड़ी है उसको हमने छोड़ा था, मगर हम अब पूरे लय के साथ उसे वापिस पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो आज जो हमारा अध्याय है, अध्याय सात विक्रय संवर्धन। विद्यार्थियों, संवर्धन एक शब्द अपने आप में एक कलिष्ठ शब्द आपको हिंदी में लगेगा। जब अगर मैं इसके इंग्लिश की बात करता हूं तो विक्रय का मतलब आप समझ चुके हैं, इसका मतलब होता है सेल्स। सेल्स है कोई भी विक्रय ना कोई भी वस्तु को बेचना। और संवर्धन का मतलब है प्रमोशन। विद्यार्थियों, क्या है ये प्रमोशन? आपने सुना होगा, कई बार आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि आपके घरों में कोई अगर नौकरी में है तो वो जिस पद पर है उनका क्या हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, एक पद से ऊपर की ओर पद पर जा रहे हैं। तो यहाँ जो सेल्स का प्रमोशन हो रहा है, हम अपनी वस्तु को बेचने के लिए तमाम प्रकार की जो प्रयास करते हैं उसका प्रमोट करते हैं, उसको किस प्रकार प्रमोट किया जाता है, जनता के सामने लाया जाता है, वो एक तमाम प्रकार की जो भी क्रिया की जाती है अनियमित क्रिया की जाती है, यानी कि नियमित क्रिया नहीं अनियमित, यानी उसका कभी भी पता नहीं चलता है। हमें लगातार अपने माल को बेचने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है, वो सब एक अनियमित जो क्रिया होती है वो विक्रय संवर्धन होता है। विद्यार्थियों, मैं हर एक टॉपिक को पढ़ाने से पहले उसके बारे में टाइटल में उसकी बात करता हूं। अगर हमें टाइटल समझ में आ जाए तो आपके अंदर एक ऐसा विकास हो जाता है, ज्ञान की वृद्धि हो जाती है, आप लगातार निरंतर उस शब्दों को समझकर आप व्याख्या कर सकते हैं। पहले उस टॉपिक को समझे, पहले देखो मैं शिक्षण विधियों के माध्यम से पहले उस हर एक चीज को पहले पूर्ण से अंश की ओर बढ़ता हूं। पहले जो टॉपिक है उसके बारे में पूरी चर्चा करता हूं, फिर उस टॉपिक को बांट कर धीरे धीरे आपके सामने रखता हूं अंश की ओर, धीरे धीरे अंशों की ओर बढ़ता हूं। ये शिक्षण विधियों का भी एक मैटर है। हम धीरे धीरे जब पूर्ण रूप से पहले मैं हर बात आपके सामने रखी फिर उसको अंशों में बांटा। अब जिस प्रकार आज हमारा जो टॉपिक है वो है विक्रय संवर्धन यानी कि सेल्स प्रमोशन, यानी कि विक्रय वृद्धि के लिए कोई भी जो हमारी जो माल है उसको हमें क्या करना है, बेचना है। अब उसमें उसको ज्यादा बेचना है, उसमें वृद्धि करनी है। अब जब माल में ज्यादा वृद्धि करनी है, उस माल में वृद्धि ज्यादा किसमें करनी है, माल में वृद्धि ज्यादा उस प्रकार करनी है कि हम उसे ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर बेच सके। उसमें हम जो अनियमित क्रियाएं करते हैं, अनियमित देखो यहां सब क्या है, नियमित नहीं अनियमित, यानी कोई भी उसमें नियमित नहीं है। आप कितनी भी क्रियाएं करते जाओ इसमें कोई भी एक समय सीमा नहीं है, आप जितनी भी अधिक क्रियाएं करते रहते हैं, तमाम प्रकार की ऐसी अनियमित क्रियाएं करते हैं उसका निर्धारण नहीं किया गया कि आप कितनी क्रियाएं करें। आप में मन जितनी मन में आए जितनी क्रियाएं करें, ऐसी ऐसी तमाम प्रकार की योजनाएं लाएं, ऐसा ऐसा आप प्रचार करें, ऐसे आप विज्ञापन करें,
ऐसी ऐसी चीजों को आप ग्राहकों के सामने रखें, ग्राहकों को इस प्रकार आकर्षित करें, ग्राहक आकर्षित होकर उस वस्तु को ज्यादा से ज्यादा खरीद सके। ग्राहकों के दिमाग में आप ऐसी एक प्रवृत्ति पैदा करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उस वस्तु की ओर आकर्षित होकर खरीद सके। यही एक विक्रय संवर्धन है। आप देखो सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें विद्यार्थियों, जब दिमाग के अंदर हम आप एक बिंदु को सही ढंग से समझ सकते हैं तो हम आराम से आगे कर सकते हैं। जब हम विक्रय संवर्धन को ही नहीं समझ पाए तो फिर हमें पढ़ने का क्या तात्पर्य। पहले विक्रय संवर्धन शब्द को समझा, यानी कि विक्रय मतलब सेल्स और संवर्धन मतलब प्रमोशन। विक्रय की वृद्धि करने के लिए विद्यार्थियों गौर करें, मैंने लिखे भी है, मैं आपको ये भी समझाऊंगा, आपको लिखना भी अपनी कॉपी में। पहले आप इसकी चर्चा रूप में व्याख्यान रूप में इसे सुने। विक्रय की वृद्धि करने के लिए एक व्यवसायी तमाम प्रकार की जो अनियमित क्रियाएं करता है वो विक्रय संवर्धन कहलाता है। अब हम इसके शाब्दिक रूप को भी पढ़ेंगे, इसके अभिप्राय को भी पढ़ेंगे, इसके संकुचित रूप को भी पढ़ेंगे, इसके विशिष्ट रूप को भी हम पढ़ेंगे, वास्तव में विक्रय संवर्धन का क्या अर्थ होता है। फिर हमने तमाम प्रकार के दो प्रकार की इसके परमशास्त्रियों ने जो परिभाषा दी, विद्वानों ने परिभाषा दी, उस विद्वानों की परिभाषा को भी पढ़ेंगे। जो आज हमारा जो टॉपिक प्रकरण रहेगा ये विक्रय संवर्धन के परिचय के बारे में रहेगा। तो परिचय की दृष्टि से अगर मैं बात कहूं तो पहले क्या बात आती है, विक्रय संवर्धन। विक्रय संवर्धन यानी किसी विक्रय वृद्धि में, विक्रय की वृद्धि यानी माल को बेचने में, ज्यादा माल को बेचने में, जो माल बिक रहा है उससे भी ज्यादा माल को बेचने में जो अनियमित क्रियाएं की जाती है, अनियमित क्रियाएं की जाती है, वो विक्रय संवर्धन कहलाता है। क्रेताओं को वस्तु अथवा सेवाओं को लघु अवधि में तुरंत क्रय करने के लिए प्रेरित करना। विद्यार्थियों आपने कोई माल उत्पादित किया या आपने कोई माल खरीदा, अब आपको लघु अवधि में इस माल को बेचना है, लघु अवधि यानी कम समय में बेचना है। विद्यार्थियों शब्द ऐसे ऐसे कई शब्द है, आप इन्हें समझे, मैं एक एक शब्द को समझाने का प्रयास करूंगा। कम समय में आपको माल बेचना है और ग्राहकों को आकर्षित करना है अपनी ओर ताकि तुरंत प्रभाव से माल को खरीद ले, ये विक्रय संवर्धन है, सेल्स प्रमोशन है। तमाम प्रकार के ग्राहक अपने ऐसे ऐसे काउंटर सजाते हैं ताकि चलता हुआ ग्राहक उस काउंटर को देखकर, आगे मैं बात करूंगा विद्यार्थियों इनके आगे, मैं इनके महत्व के बारे में बात करूंगा, चर्चाओं के बारे में बात करूंगा, तो ऐसी चीजें आएगी आपके सामने मैं रखूंगा, मगर आप पहले इस चीज को समझें कि विक्रय संवर्धन क्या है। पहले आज हम इसके परिचय के बारे में जानेंगे, जब इसको समझ पाएंगे तो आगे हम आराम से कर पाएंगे। विद्यार्थियों गौर करें, आप इस कोविड 19 के तहत तमाम प्रकार की इन बातों को याद रखें, अपने घर में बैठकर आराम से पढ़ें और अपनी कॉपी में लिखें, यह आपको बहुत फायदेमंद होगा। विद्यार्थी विक्रय संवर्धन, विक्रय में वृद्धि करने के लिए जो अनियमित क्रिया की जाती है वो विक्रय संवर्धन कहलाता है। अभिप्राय के रूप में अगर मैं बात कहूं तो क्रेताओं को लघु अवधि में तुरंत प्रभाव में उन माल को बेचने के लिए, क्रेताओं को अपनी ओर आकर्षित करना, वस्तु देना, उनको सेवाएं प्रदान करना, लघु अवधि में तुरंत क्रय करने के लिए उन्हें प्रेरित करना, अट्रैक्टिव करना, ये विक्रय संवर्धन से हमारा आशय है। शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो वस्तु सेवा की बिक्री में वृद्धि करना, सीधी सी बात है, शाब्दिक अर्थ नहीं कि शब्द के रूप में उसका वास्तविक अर्थ क्या, हम कहते हैं कि वास्तविक रूप से क्या अर्थ है। जैसे कि मेरा नाम है स्वरूप, तो मेरा शाब्दिक रूप क्या है, स्वरूप यानी रूप का रूप। उस प्रकार विक्रय संवर्धन में अगर हम शाब्दिक रूप से बात करें तो वही चीज निकल के सामने आती है, वस्तु या सेवा में बिक्री में क्या करना, वृद्धि करना। उस प्रकार संकुचित अर्थ में हम बात करेंगे, विस्तृत अर्थ में हम बात करेंगे और विशिष्ट अर्थ में बात करेंगे। मगर इनसे बात करने से पहले आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि विक्रय में वृद्धि करने के लिए जो अनियमित क्रिया की जाती है उनसे अभिप्राय हमारा ये है कि क्रेताओं को लघु अवधि में तुरंत प्रभाव से वस्तु को खरीदने के लिए उन्हें प्रेरित करना विक्रय संवर्धन है। अब हम विशिष्ट मुद्दे पर आते हैं। विक्रय संवर्धन, विक्रय वृद्धि के लिए की जाने वाली अनियमित क्रिया, विद्यार्थियों गौर करें, ऐसी चीजों को पॉइंट करें। अनियमित क्रिया ऐसी क्रिया की जाती है इसका कोई समय निर्धारण नहीं होता, तमाम प्रकार की अपनी माल को बेचने के लिए वो इतनी क्रियाएं करेगा, तमाम प्रकार की ऐसी क्रियाएं करेगा, उन क्रियाओं को अंजाम देगा ताकि उसके विक्रय में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो सके। आपको अगर मैं छोटा सा उदाहरण दूं कि अब जो दिवाली का समय है और फटाखों की दुकान लगेगी, जब फटाखों की दुकान लगती है आपने देखा होगा स्टेडियम के अंदर, तो विक्रय में वृद्धि करने के लिए बात जोर से चिल्लाता है, सस्ते में ले जाए, सस्ते में ले जाए, सस्ते में फटाखे ले जाए, 10 के 5, 10 के 5, 5 के 10, 5 के 10, जो दूसरों की मार्केट की रेट होती है उस रेट को तोड़कर जो तमाम प्रकार की ऐसी क्रियाएं की जाती है, ज्यादा ज्यादा ऐसी क्रियाएं की जाती है, वो सब अनियमित क्रियाएं होती है और माल में वृद्धि करने के लिए, माल विक्रय में वृद्धि करने के लिए जो क्रिया की जाती है वो तमाम प्रकार की विक्रय संवर्धन की क्रिया कहलाती है। इसका अभिप्राय की अगर हम बात करें, इसके अभिप्राय देखो विद्यार्थियों, मैं विक्रय संवर्धन में अलग अलग बात करूंगा, विक्रय संवर्धन के बारे में जब मैंने बात की तो विक्रय वृद्धि के लिए की जाने वाली अनियमित क्रिया, विक्रय की वृद्धि को बढ़ाने के लिए की जाने वाली अनियमित क्रियाओं को यहां शामिल किया गया है। जब मैं इसके अभिप्राय की अगर मैं बात करूं तो क्रेताओं को वस्तु अथवा सेवाएं, तो वस्तु हम जो बेच रहे हैं फिर सेवाएं जो बेचने के बाद हम प्रदान करते हैं, कुछ वस्तु खराब होने पर उन्हें तमाम प्रकार की सेवाएं दी जाती है, उसको बदला जाता है, उसके घर पर जाकर सही किया जाता है, वो तमाम प्रकार की सेवाएं इसके अंदर
आती है, आपने कक्षा 11वीं में भी पढ़ा होगा। क्रेताओं को वस्तु अथवा सेवाओं को लघु अवधि में तुरंत क्रय करने के लिए प्रेरित करना, इसका यह अभिप्राय रहता है। वास्तव में इसका अर्थ ही रहता है, क्रेताओं को वस्तु अथवा सेवाओं को लघु अवधि में तुरंत क्रय करने के लिए, क्या क्रय खरीदने के लिए प्रेरित करना विक्रय संवर्धन से हमारा अभिप्राय है। आप समझो विक्रय संवर्धन से आपका क्या अभिप्राय है। आप लिख सकते हैं क्रेताओं को वस्तु अथवा सेवाओं को लघु अवधि में तुरंत क्रय करने के लिए प्रेरित करना, अट्रैक्टिव करना विक्रय संवर्धन कहलाता है। अगर हम शाब्दिक अर्थ में बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विक्रय संवर्धन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। विद्यार्थियों डरे नहीं, समझे, हर एक बात को समझने का प्रयास करें, हर एक बात आप समझ आएगी, इससे आप घबराए नहीं, इस शब्द से आप घबराए नहीं। हाँ गौर करें, शाब्दिक अर्थ, अगर शाब्दिक अर्थ की हम बात करें तो वस्तु एवं सेवाओं की बिक्री में वृद्धि करना, किसकी बिक्री में वृद्धि करना, वस्तु की में वृद्धि करना और सेवाओं में वृद्धि करना। विद्यार्थी आप जिस प्रकार ज्यादा वस्तु बेचोगे तो आपकी सेवा भी और बढ़ेगी, तो सेवाओं में भी वृद्धि करो, सिर्फ अपनी वस्तुओं में वृद्धि करना, बिक्री में वृद्धि करने के साथ साथ सेवाओं में भी वृद्धि करो, सेवाओं की बिक्री में वृद्धि करने से है इसका शाब्दिक अर्थ विक्रय संवर्धन। अगर शाब्दिक अर्थ के रूप में हम बात करें तो वस्तु सेवाओं के में विक्रय में वृद्धि करना, विक्रय में वृद्धि करना, बिक्री में वृद्धि करना या फिर विक्रय में वृद्धि करना एक ही बात है। अगर हम संकुचित अर्थ में देखें, यानी कि अगर इसका छोटा रूप देखें, इसकी छोटी परिभाषा आपको समझने का प्रयास करें, तो इसका मतलब है ऐसी क्रिया है, विक्रय संवर्धन एक ऐसी क्रिया से है जो व्यक्तिगत विक्रय में सहायक होती है। विद्यार्थी व्यक्तिगत यानी कि एक व्यक्ति जब व्यक्तिगत रूप से पर्सनली किसी चीज को बेचता है, जैसे कि एक किराने की दुकान लगाकर एक व्यक्ति है और व्यक्तिगत रूप से अपने माल को जब बेचता है उसमें तमाम प्रकार की ऐसी क्रियाएं करता है जैसे ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को वो जोड़ सके, ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर सके, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक उसके दुकान पर आकर उसे वस्तु खरीद सके, वो व्यक्तिगत विक्रय यानी पर्सनली जब वो चीजों को बेचता है, अपने स्तर पर बेचता है, तो उन व्यक्तिगत क्रियाओं में वो सहायक होती है। ये अगर संकुचित अर्थ में अगर हम बात करें, आपने छोटे से किराने की दुकान पर देखा होगा कि एक व्यापारी तमाम प्रकार की ऐसी गतिविधियां करकर ऐसे ऐसे संचालन करके तमाम प्रकार के ग्राहकों को जोड़ता है, वो व्यक्तिगत क्रिया करता है, ऐसी व्यक्तिगत क्रिया व्यक्तिगत विक्रय में वो पर्सनली जो अपने माल को बेच रहा है अपने ग्राहकों को और उसमें वो तमाम प्रकार की क्रिया कर रहा है, उस व्यक्तिगत विक्रय में ये सहायक होता है। कौन? विक्रय संवर्धन। अगर संकुचित अर्थ के अंदर बात की जाए, ऐसी क्रिया विक्रय संवर्धन एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्तिगत विक्रय में सहायक होती, किसमें? व्यक्तिगत व्यक्तिगत विक्रय में सहायक होती है। अगर विस्तृत अर्थ में अगर हम बात करेंगे तो विद्यार्थियों इसका अर्थ बड़ा हो जाएगा। विस्तृत अर्थ में अगर हम बात करें तो उन समस्त क्रियाओं से हैं जो विक्रय वृद्धि के लिए की जाती है, वो समस्त क्रिया है। देखो नाम से क्या है, विस्तृत। अब विस्तृत है तो वो तमाम प्रकार की समस्त क्रियाएं करेगा। अब वो समस्त क्रियाएं कौन कौन सी उसके बारे में हम बात करेंगे, उन समस्त क्रियाओं से है जो क्रिया जो विक्रय वृद्धि के लिए की जाती है। अब आपको विक्रय में वृद्धि करनी है, आपको अपने माल को बेचने में वृद्धि करनी है, तो आप वो समस्त क्रियाओं को अपनाओगे। वो समस्त क्रियाएं अगर हम बात करें तो वो समस्त क्रिया कौन कौन सी है, विज्ञापन। देखो अगला चैप्टर विज्ञापन आ रहा है, इससे जुड़ा हुआ है विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट। आपने निश्चित रूप से अपने घरों में टीवियों में विज्ञापन आपने ज्यादा देखा होगा, कोई भी पिक्चर चलते उसके बीच में विज्ञापन आता है। विज्ञापन का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन, कोई भी चीज को पूर्ण से बदल कर दिखाना ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीज को खरीद सके, तो ये विज्ञापन है। व्यक्तिगत विक्रय, देखो विज्ञापन भी करना, उस माल को साथ सजाकर उसके माल की विशेषताओं को उनके गुणों को बताकर आप माल को ज्यादा से ज्यादा बेचना, व्यक्तिगत विक्रय यानी पर्सनली अगर हम किस प्रकार से हम अपने वस्तु के बारे में उनके गुण उसकी विशेषता बताकर हमें माल को ज्यादा बेचना, उत्पाद में नवीनता लाना, जो भी आप प्रोडक्ट उत्पाद कर रहे हो उसके अंदर एक नवीनता लाना। अगर हम मैं अभी दिवाली के समय की अगर बात करूं तो आपने फटाके देखे होंगे, पहले फटाके अलग अलग रूप में आते थे, अब उससे भी अलग रूप में आते हैं, अगर अब आधुनिक रूप में देखा जाए तो और उससे भी अलग रूप में आते हैं, तो हम उत्पाद में अलग अलग नवीनता लाते हैं और विक्रय में वृद्धि करते हैं। ये उत्पाद में नवीनता लाना, कोई भी चीज को क्रिएटिविटी करना, उसमें नया इनोवेशन करना, नया नवाचार करकर उस वस्तु को लाना। देखो विपणन प्रणालियां, विपणन प्रणालियां आपने पहले ही पढ़ी, जो विपणन प्रणालियां थी आपने मार्केटिंग, किस प्रकार से मार्केटिंग करना, उपभोक्ता तक माल को पहुंचाना, उसमें तमाम प्रकार की उन बातों को सम्मिलित किया जाता है, तो ये सब चीजें जब विस्तृत रूप में समाहित हो जाती है विक्रय की वृद्धि करने के लिए, तब वो विस्तृत अर्थ में विक्रय संवर्धन का तात्पर्य रहता है। गौर करें विद्यार्थियों, उन समस्त क्रियाओं से है जो विक्रय वृद्धि के लिए की जाती है, वो तमाम प्रकार की क्रिया जो विक्रय वृद्धि के लिए की जाती है, उस क्रियाओं में आपने क्या शामिल किया, विज्ञापन को शामिल किया, आप विज्ञापन करके माल को बेचोगे, आपने व्यक्तिगत विक्रय किया, आपने उत्पादों में नवीनता लाई, आपने विपणन प्रणालियों को अपनाया, उन समस्त बातों को अपनाकर आपने विक्रय में वृद्धि की, तो उन समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसमें हम विक्रय में वृद्धि करने के लिए लागू करते हैं, वो विस्तृत अर्थ में कहलाता है। विक्रय संवर्धन को पढ़ा, इसके तात्पर्य को पढ़ा, इसके अभिप्राय को पढ़ा, इसके शाब्दिक अर्थ को जाना कि क्या है वस्तु और सेवा
मैं बिक्री में क्या करना, वृद्धि करना, इसका सामना करना। संकुचित अर्थ में पढ़ा कि ऐसी क्रियाओं जिसमें विक्रय में सहायक होती है, व्यक्तिगत विक्रय में जो सहायक होती है वो संकुचित अर्थ में हमने पढ़ा। विस्तृत अर्थ में हमने कहा उन तमाम प्रकार की समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है, वो समस्त क्रियाएं जिसमें विज्ञापन हो सकता है, जिसके अंदर उत्पादकता में नवीनता हो सकती है, जिसके अंदर व्यक्तिगत विक्रय हो सकता है, जिसके अंदर विपणन प्रणाली आती है, सभी प्रकार की पद्धतियां अपनाई जाती है, जिसको आपने विपणन को पहले पढ़ लिया। मैंने कहा था कि तीनों चैप्टर अपने आप में अकॉर्डिंग रहते हैं, एक दूसरे मिले हुए रहते हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर हम अगले ज्ञान को भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं इसको विशिष्ट अर्थ में, विक्रय संवर्धक शाब्दिक अर्थ में, संकुचित अर्थ में, विस्तृत अर्थ में, अब संविशिष्ट अर्थ में। अगर नाम से विशिष्ट है तो कुछ ना कुछ उसमें विशिष्टता होगी। देखें विक्रय संवर्धन में यहां क्या बात हो रही है, विक्रय संवर्धन में पहले यहां विज्ञापन को हमने विस्तृत अर्थ में, हमने विज्ञापन को यहां शामिल किया है और व्यक्तिगत विक्रय को भी हमने यहां शामिल किया है। अब हम इसको बाहर निकाल देंगे, गौर करें, विक्रय संवर्धन विज्ञापन व्यक्तिगत विक्रय तथा प्रचार को छोड़कर विक्रय वृद्धि के लिए की जाने वाली अनियमित क्रिया है। अब यहां हम विक्रय संवर्धन से अगर हम विशिष्ट रूप से अगर बात करें तो हम विक्रय संवर्धन विज्ञापन नहीं करेंगे, व्यक्तिगत विक्रय नहीं करेंगे तथा प्रचार को छोड़कर, प्रचार किया जाता है जो विज्ञापन से हटकर होता है, जब विज्ञापन का अध्याय पढ़ाऊंगा तो विज्ञापन और प्रचार में क्या फर्क है वो भी बताऊंगा। तो विक्रय संवर्धन विज्ञापन व्यक्तिगत विक्रय तथा प्रचार को छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर आप विक्रय वृद्धि के लिए जो अनियमित क्रियाएं कर रहे हैं वो विक्रय संवर्धन कहलाता है। किस अर्थ में, विशिष्ट अर्थ में। आपसे परिभाषा पूछी जाए एक नंबर की, विशिष्ट अर्थ में विक्रय संवर्धन को समझाए तो आप विशिष्ट अर्थ में, अगर आप इसको विज्ञापन व्यक्तिगत विक्रय और तमाम प्रकार की बातों को सम्मिलित करते हैं तो विशिष्ट अर्थ में वो नहीं होगा। विशिष्ट अर्थ में आप विक्रय संवर्धन विज्ञापन को छोड़ दें, आप व्यक्तिगत विक्रय को छोड़ें तथा प्रचार को छोड़कर आप विक्रय वृद्धि के लिए तमाम प्रकार की जो अनियमित क्रियाएं करते हैं वो क्रिया अगर शामिल हो जाए तो ये विशिष्ट अर्थ में विक्रय संवर्धन हो जाएगा। इस प्रकार हमने विक्रय संवर्धन के परिचय को समझा, विक्रय संवर्धन को समझा, विक्रय संवर्धन के अभिप्राय को समझा, शाब्दिक अर्थ में समझा, संकुचित अर्थ में समझा, विस्तृत अर्थ में समझा और विशिष्ट अर्थ में भी समझा। ये सब समझने के बाद लास्ट में अंतिम रूप से एक ही बात दिमाग के अंदर आती है, उन तमाम प्रकार के उत्पाद या विक्रय में वृद्धि करने के लिए हमें अनियमित क्रियाएं करनी है। उन अनियमित क्रियाओं से हमारे माल में अगर विक्रय में वृद्धि होगी तो विक्रय संवर्धन होगा। अब हम एक अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने एक परिभाषा दी और एक हॉपकिंस नाम के एक प्रबंध शास्त्री ने इसके संदर्भ में परिभाषा दी, उन दो परिभाषाओं को भी मैं आपके सामने रख सकता हूं। उन्होंने कौन कौन सी परिभाषाओं में क्या बात कही विक्रय संवर्धन में, उनको समझाने के बाद आज का जो ये अध्याय हमारा जो अध्याय सातवां उसका परिचय आपके सामने रखूंगा, फिर इसी प्रकार खंडों में विभाजित कर मैं आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा। तो अब हम देखेंगे इसके दो परिभाषाएं। हाँ, गौर करें विद्यार्थियों, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने क्या परिभाषा दी और मैं जहां तक समझता हूं कि मैं इस परिभाषा को आपको अभी के अभी याद करवा दूंगा। देखो गौर करें, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कहता है कि व्यक्तिगत विक्रय विज्ञापन प्रकाशन के अलावा वे समस्त अनियमित क्रिया, जो विशिष्ट परिभाषा हमने पढ़ी थी ना वो विशिष्ट परिभाषा ये वापस अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन दे रहा है, मगर आपको ये शब्द पकड़ने पड़ेंगे, व्यक्तिगत विक्रय विज्ञापन प्रकाशन के अलावा वे समस्त अनियमित क्रिया है अगर शामिल हो जाती है तो वो विक्रय संवर्धन होता है। यानी कि विशिष्ट अर्थ में जो हमने परिभाषा पढ़ी थी वो विशिष्ट अर्थ की परिभाषा अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन दे रहा है। ये कहता है कि व्यक्तिगत विक्रय सही है, वो उसमें भी था, उसको छोड़कर विज्ञापनों को छोड़कर और प्रचार बोलो या प्रकाशन बोलो एक ही बात है, प्रकाशन को के अलावा वे समस्त अनियमित क्रियाएं अगर हम शामिल कर दे तो वो विक्रय संवर्धन है। वे समस्त अनियमित क्रिया कौन कौन सी है, प्रदर्शन है, आप प्रदर्शन करो, इन तीन आपके दिमाग के अंदर आएगा। अगर हम व्यक्तिगत विक्रय नहीं करेंगे, हम विज्ञापन नहीं करेंगे, हम प्रचार नहीं करेंगे तो हम विक्रय में वृद्धि कैसे करेंगे, तो ये कह रहा है कि वो अनियमित क्रिया है, वो अनियमित क्रिया उसके माध्यम से भी आप विक्रय संवर्धन में वृद्धि कर सकते हो, विक्रय में वृद्धि कर सकते हो। क्या, प्रदर्शन करो, क्या करो, प्रकाशन मत करो, प्रदर्शन करो, दिखावा करो, प्रदर्शनी करो, मैंने कहा ना काउंटरों को सजाओ, क्रियात्मक प्रदर्शन सम्मिलित करो, तमाम प्रकार की जो एक व्यापारी के द्वारा जो क्रियात्मक प्रदर्शन किए जाते हैं वो करो सम्मिलित है, जो उपभोक्ताओं को क्रय शक्ति तथा विक्रेताओं की प्रभावशीलता को प्रोत्साहित करती है, उपभोक्ताओं को खरीदने के लिए क्रय शक्ति उनकी बढ़ती है और विक्रेताओं की उत्पादकता में प्रभावशीलता आती है। अब जैसे आपके दिमाग में आएगा हमें इसे याद कैसे रखना, देखो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मैं अगर बात यहां किसी की निंदा की नहीं करूंगा मगर याद रखवाने की ट्रिक के लिए मैं छोटी सी एक आपके सामने प्रक्षेपण करूंगा। अमेरिका वास्तव में अगर देखा जाए तो अमेरिका अपने आप में एक बहुत ताकतवर देश है और अपना दिखावा भी ज्यादा करता है।
अब अमेरिका दिखावा करता है तो अमेरिका कहता है कि व्यक्तिगत विक्रय छोड़ दो, पर्सनली विक्रय करके क्यों हम कुछ चीज करें, विज्ञापन हमें नहीं करना, प्रकाशन हमें नहीं करना, इसके अलावा हम तमाम प्रकार की अनियमित क्रिया करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, हमारा हम दिखावा करेंगे, हम प्रदर्शनी लगाएंगे और हम क्रियात्मक, क्योंकि अमेरिका के लोग क्रिया ज्यादा करते हैं, क्रियात्मक प्रदर्शन सम्मिलित है ताकि उपभोक्ताओं को शक्ति, उपभोक्ताओं की शक्ति, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति तथा विक्रेताओं की प्रभावशीलता, क्योंकि अमेरिका का पूरे देश पर, पूरे विश्व पर प्रभाव है, प्रभावशीलता को प्रोत्साहित करेंगे। ये याद होगी, सिंपल सी ये ट्रिक है, ऐसे लॉजिक आप दिमाग में लगाते हो तो आप तमाम प्रकार की ऐसी परिभाषाओं को याद कर सकते हो। तो अमेरिका मार्केटिंग एसोसिएशन क्या कहता है, हम व्यक्तिगत विक्रय को छोड़ देंगे, हम विज्ञापन को छोड़ देंगे, हम प्रकाशन को छोड़ देंगे, इसके अलावा हम समस्त अनियमित क्रियाएं करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम दिखावा करेंगे, हम प्रदर्शनी करेंगे। विद्यार्थियों हम कहने का तात्पर्य सिर्फ आपको याद रखवाने का तरीका है, प्रदर्शन, दिखावा, प्रदर्शनी, क्रियात्मक प्रदर्शन सम्मिलित है जो उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को बढ़ाता है तथा विक्रेताओं की प्रभावशीलता को, विक्रेता उनकी जो प्रभाव है, इफेक्टिवनेस है, उसको बढ़ाता है, प्रभावशीलता को बढ़ाता है और उत्साहित करता है, ये ही विक्रय संवर्धन कहलाता है। ये कौन कहता है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं, व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन और प्रकाशन के अलावा वे समस्त अनियमित क्रियाएं हम करेंगे ताकि हमारा विक्रय में वृद्धि हो। समस्त अनियमित क्रिया, जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें, प्रदर्शन, दिखावा, प्रदर्शनी, क्रियात्मक प्रदर्शन सम्मिलित जो उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति तथा विक्रेताओं की प्रभावशीलता को उत्साहित करती है। जैसे ये परिभाषा आपकी किताब में दे रखी है, मगर मुझे मेरा ये तात्पर्य है कि मैं अपने लेक्चर के माध्यम से, मैं अपनी ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपके दिमाग के अंदर ये परिभाषा शेयर कर सकूं। जॉर्ज हॉपकिंस, अब देखिए जॉर्ज हॉपकिंस क्या कहते हैं, आपने हॉपकिंस से आपने सुना होगा कि हॉपकिंस नाम का पहले एक कुकर आता था, पहले के अभी भी आता है, और इसके अंदर हम तमाम प्रकार की उन चीजों को डालते हैं, जैसे कि हम चावल बना रहे हैं तो विभिन्न प्रकार के ऐसे मटेरियल डाल के इसके अंदर डाल देते हैं और फिर उसके कुकर को बंद कर देते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं और घंटी बजती है और वो तमाम प्रकार की चीजें मिलकर एक नए चावल आपके सामने उभरकर सामने आते हैं, संगठित रूप में वो संगठित हो जाते हैं। अब हम आपके दिमाग में कुकर को इसलिए मैं यहाँ से एक ट्रिक बनाकर आपके सामने प्रक्षेपण करूंगा। ये कह रहा है जॉर्ज डब्ल्यू हॉपकिंस, कहते हैं कि विज्ञापन विक्रय प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए, विज्ञापन को बनाने के लिए और विक्रय की प्रक्रिया, जो विक्रय यानी कि माल को बेचने में जो प्रक्रिया है उनको प्रभावशाली बनाने के लिए जिन संगठित प्रयासों की सहायता ली जाती है उन्हें विक्रय संवर्धन कहा जाता है। मगर देखो यहां अमेरिकन कहते हैं कि विज्ञापन को छोड़ दो, मगर जॉर्ज हॉपकिंस कहता है कि विज्ञापन को लो। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी और इसलिए अलग अलग चीजें सामने आई, संकुचित क्षेत्र में आई, विशिष्ट क्षेत्र में आई और विस्तृत क्षेत्र में आई। ये कहता है कि विज्ञापन और विक्रय प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए जिन संगठित प्रयासों की सहायता ली जाती है, ऐसे संगठित प्रयास होते हैं उनकी जो सहायता ली जाती है वो विक्रय संवर्धन होते हैं। अब देखो ये हॉकिंस, हमने कुकर डाला, उसमें हमने क्या डाला, विज्ञापन डाला, विक्रय प्रक्रिया डाली, इनको प्रभावशाली बनाने के लिए क्या है, जिन संगठित प्रयासों की सहायता ली जाती है। अब ये सब चीजें डालकर ये सब क्या हो जाते हैं, संगठित होकर आपके सामने, जैसे मैंने चावल का उदाहरण दिया चावल के रूप में बाहर आए, उस प्रकार ये विज्ञापन और विक्रय प्रक्रिया संगठित होकर विक्रय संवर्धन के रूप में बाहर आते हैं। किसके रूप में बाहर आते हैं, गौर करें विद्यार्थियों, ट्रिक होते हैं, आप भी बना सकते हैं और याद रख सकते हैं, विक्रय संवर्धन के रूप में बाहर आ रहे हैं। तो आप याद रख सकते हैं, आपके दिमाग में आ जाएगा, विज्ञापन और विक्रय प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए हम संगठित प्रयासों की सहायता लेंगे, संगठित प्रयासों की जो सहायता ली जाती है वो विक्रय संवर्धन कहता है। इस प्रकार विद्यार्थियों ये जॉर्ज डब्ल्यू हॉपकिंस की परिभाषा, दिमाग में अगर आपके हॉपकिंस आएगा तो आप में विज्ञापन विक्रय प्रक्रिया प्रभावशाली बनाने के लिए संगठित प्रयास दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली कैचअप कर लेता है, क्लिक मारता है, यहां से हमारे दिमाग के अंदर सेट हो जाता है। आप इस प्रकार के तमाम प्रकार के प्रबंध शास्त्रियों की ट्रिक याद रख सकते हैं, आप भविष्य में कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो वहां भी आप ऐसी चीजों को याद रख सकते हैं। इस प्रकार हमने विक्रय संवर्धन के परिचय के बारे में पढ़ा, आगे मैं और बात करूंगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।